जो आज का यार हम जनरल नॉलेज का टॉपिक कर रहे हैं वो है यार, आपका आजकल बहुत ज्यादा डिबेट के अंदर है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स के अंदर ये टॉपिक बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, सारे न्यूज़पेपर्स इसको कवर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये टॉपिक है क्या? ये है FRDI बिल 2017, और इसके साथ जुड़ी हुई क्या कंट्रोवर्सी है जो कि ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है। तो इसको करेंगे आज हम, मैं आपको बताऊंगा कि इससे जुड़ी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बता दूं यार, हमारा क्रैश कोर्स एक बैच चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ये उसकी सारी डिटेल्स हैं और उसके अंदर थोड़ी सी सीरियसनेस मेंटेन करी जा सके तो हमने एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर रखा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो अब आप हमारे नंबर 9958937705 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट यार, हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो रहा है यार। इसके अंदर क्या है, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, वर्कशीट्स मिलेंगी कैट, जेड और IIFT एग्जाम के लिए। आपको 200 से ज्यादा घंटे की वीडियोस मिलेंगी। आप कभी भी अपने डाउट सेशंस ले सकते हो हमें कॉल के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, या ईमेल के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा सारे प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस होगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको जीके के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, IFT, जैट और इवन टिस्क के एग्जाम के लिए भी। इसके अलावा आपको नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेंगी जहां आपका 10,000 से ज्यादा लोगों में से स्कोर आएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप पॉज करके एक बार यार इसको देख सकते हो अपनी पूरी वीडियो के अंदर कि आपको पेनड्राइव के अंदर क्या क्या मिलेगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबसे पहले समझते हैं यार ये है क्या, FRDI फुल फॉर्म की बिल की फुल फॉर्म क्या है। FRDI की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये लाने की यार जरूरत क्या पड़ी? फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यार, एक कॉमन हैबिट है, जो भी हमारे पास सेविंग्स होती है ना, वो हम अपने एक बैंक अकाउंट में रखते हैं जो कि सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। अब हम बैंक में क्यों रखते हैं? हम बैंक में इसलिए रखते हैं क्योंकि पैसा सेफ है। लेकिन क्या फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारा सारा पैसा सेफ है बैंक के लिए? इसको हम समझाएंगे, इसको समझेंगे कि यार बैंक में कितना पैसा सेव होता है या कितना पैसा हमारा सेफ है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका बैंक में लॉकर है और बैंक में एक चोरी होती है और आपका लॉकर से सारा सामान निकल जाता है, तो इसमें बैंक की क्या लाइबिलिटी है? बैंक की जीरो लाइबिलिटी है। बैंक आपको एक रुपया नहीं देगा, चाहे आपके लॉकर में 1,000 रुपए का सामान था, चाहे 1 करोड़ रुपए का ये सामान था, वो सारा का सारा नुकसान आपका है। लेकिन ऐसा सेविंग्स अकाउंट में नहीं होता, इसमें बैंक की कुछ लाइबिलिटी होती है। बैंक की क्या लाइबिलिटी होती है इसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक्चुअली है क्या? ये क्या है? ये एक सिस्टमैटिक रेजोल्यूशन है, और ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं है, ये इंश्योरेंस के लिए भी है और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के ऊपर भी ये बिल लागू होगा। मतलब जब ये एक्ट बन जाएगा तब ये उनके ऊपर भी, बैंक्स के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के ऊपर भी लागू होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्यों ला रहे हैं? मतलब ये इसको लाने का यार पर्पस क्या है? फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो यार, 2016 के अंदर एक कानून आया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC 2016। इसका क्या पर्पस था? इसका फ्रेंड्स पर्पस ये था, अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसकी वाइंडिंग अप कैसे होगी या उसको दोबारा रिवाइवल कैसे करा जाएगा उसका, तो वो सब कुछ कंपनीज एक्ट से निकाल के सब कुछ किसमें डाल दिया गया था? IBC के अंदर डाल दिया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो उन्होंने बोला जाए, जैसे IBC कंपनीज के लिए है, तो ऐसे ही FRDI बनाओ आप बैंक्स के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। फ्रेंड्स, अब इसकी जरूरत क्या है? मतलब क्या गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि यार हम ये लेके आए? फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यार, आपको पता है यार, 2008 के अंदर US के अंदर एक क्राइसिस आया था, उस क्राइसिस का नाम था सब प्राइम क्राइसिस, जिसके अंदर USA के बहुत सारे बैंक डूब गए थे, और जो उसमें से सबसे ज्यादा बड़ा बैंक डूबा था वो था लीमन ब्रदर्स। मतलब सीरियसली फ्रेंड्स, आप सोचो अगर किसी इकोनॉमी के बैंक डूब जाए
और आपको अगले दिन सुबह आप सो के उठते हो और आपको पता लगता है कि आपकी जो जिंदगी भर की कमाई थी वो नील बटा नील हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक, यू विल बी इन डिप्रेशन कि यार ये क्या हो गया, मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई डूब गई। तो उन्होंने बोला कि यार जितनी बैंकरप्सी और जितनी फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में यूएस में हो चुकी है ना यार, उसके बाद हम नहीं चाहते कि यार ऐसा कुछ दोबारा इंडिया के अंदर रिपीट हो, कि इंडिया के बैंक डूब जाए। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें और क्या रीजन था फ्रेंड्स, ये तो पहला रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि इन्होंने देखा कि यार अब बहुत सारे लोग ना, जब से सेंटर ना बैंक्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कैसे, सबसे पहले जनधन योजना खोली निकाली जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले गए इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो उससे भी खतरनाक टास्क हुआ, यानी कि जिससे हर एक बैंक को इफेक्ट पड़ा, हर एक ब्रांच को इफेक्ट पड़ा और उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ा, उसे कहते हैं डिमोनेटाइजेशन। अब फ्रेंड्स इसकी तो डिटेल बताने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में हर बच्चे बच्चे को पता है कि यार डिमोनेटाइजेशन क्या हुई थी। ठीक है, उसके बाद तो उन्होंने बोला कि यार जब इतना ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो इट बिकम्स क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट सेवर्स एंड दोज ज्वाइनिंग दी फॉर्मल इकोनॉमी। तो यानी कि अगर फॉर्मल इकोनॉमी में लोग आ रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है इन केस बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म्स स्टार्ट फेलिंग, यानी कि अगर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां डूबती हैं तो उनको, लोगों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि फ्रेंड्स अभी तक एक एक कॉरपोरेशन थी, ये उसका लोगो भी है, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो यानी कि अभी तक जो बैंकों को प्रोटेक्ट करती थी, बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित रहे, वो कौन सी कॉरपोरेशन करती थी, वो ये करती थी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। लेकिन अब इसका काम उठा के ये देना चाहते हैं इसको रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन को, जो बिल का नाम भी था फाइनेंशियल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इसको ये टास्क देना चाहते हैं, और इसका टास्क क्या होगा, इसका टास्क होगा मॉनिटरिंग फाइनेंशियल फर्म्स, यानी कि देखना कि यार सारी फाइनेंशियल फर्म्स लायबल है, मतलब सस्टेनेबल है भी कि नहीं, क्योंकि आजकल एनपीएस, फ्रेंड्स ये सुना होगा यही वर्ड है, एंटीसिपेटिंग द रिस्क ऑफ फेलियर, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि बैंकों ने लोन दिए और लोन फेल हो गए, जैसे कि किंगफिशर के साथ हुआ, तो बैंक को क्या हो गया, बैंक का वो हो गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, यानी कि अब बैंक के लिए तो वो पैसा, बैंक के लिए तो वो चीज बर्बाद हो गई, जीरो हो गई है। तो देखने के लिए यार फाइनेंशियल फर्म्स को मॉनिटर करने के लिए कि हाँ यार सब सही चल रहा है, एंटीसिपेटिंग द रिस्क ऑफ फेलियर, आगे का फेलियर को एंटीसिपेट करने के लिए कि यार कि कोई दिक्कत ना आ जाए, फेलियर आए तो हम पहले से एंटीसिपेट कर सकें, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, यानी कि आप करेक्टिव एक्शंस लेगी कौन, रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन, ताकि कुछ गलत ना हो सके। ठीक है, अब इसके अलावा एक और काम ये क्या करेगी, एक और काम ये करेगी, द कॉरपोरेशन इज ऑल्सो टास्क विद प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस। फ्रेंड्स हमने जो बैंक्स में डिपॉजिट कर रखे हैं तो उसके ऊपर इंश्योरेंस कौन देगा, इंश्योरेंस देगा ये रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन। अच्छा फ्रेंड्स आपको एक बात बता देता हूं, अभी आगे भी आएगी वैसे, सेविंग्स बैंक में जो अभी तक लाइबिलिटी है वो है ₹1,00,000 की, यानी कि अगर बैंक डूबता है और आपके अकाउंट में 1,00,000 से कम है तो आपको टोटल उतने पैसे का क्लेम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 2,00,000 है, 10,00,000 है, 20,00,000 है, 50,00,000 है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपया ही मिलेगा। यही है अभी तक जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि यार इसमें कॉन्ट्रोवर्सी क्या हो रही है, यार सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्या हो रही है, सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये सेक्शन 53। अब ये क्या कहता है, ये लेके आया पॉइंट बेल इन प्रोविजन का। अब बेल इन क्या होता है फ्रेंड्स, इन्होंने ये बोला है, अभी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, द मनी ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि जो डिपॉजिटर पैसा देता है बैंक के अंदर अपना जमा कराता है, वो अवेलेबल होगा रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन को इन केस, या किस लिए, फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ एलिंग बैंक्स। अब ये बात क्या है, अब इसको समझिएगा ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है XYZ, वो आज डूब रहा है,
और उसके अंदर पैसा डालने की जरूरत है, मनी डालने की जरूरत है, अदरवाइज वो डूब जाएगा। तो अब ये क्या करेगा रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन, जो बाकी बैंकों के पास पैसा है उस पैसे को, या उसी बैंक में जो इन्वेस्टर का पैसा है, लोगों ने डिपॉजिट कर रखे हैं, उसी को ही उस बैंक के अंदर डालेगा ताकि वो बैंक दोबारा चल सके। तो यानी कि लोगों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा लोगों को लग रहा है कि यार हमारा पैसा डूब सकता है, कि मतलब डूबते हुए बैंक के अंदर, डूबते हुए जहाज के अंदर हमारा पैसा और लगा दिया जाएगा, तो वेयर इज द प्रोटेक्शन, देयर इज नो प्रोटेक्शन। तो ये सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है अभी तक जो कि सेक्शन 53 में आई है, क्योंकि लोगों ने बोला है कि यार हमारा पैसा ना यूज किया जाए रिकैपिटलाइज करने के लिए डूबते हुए बैंकों को। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि यार जो अभी तक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती थी 1 लाख का, जो मैंने आपको बताया ही है, द रेस्ट इज फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ बैंक फेलियर, यानी कि इससे ज्यादा अगर आपका पैसा है तो वो डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, बैंक आपको नहीं देगा अगर बैंक डूबता है तो। लेकिन ये जो FRDI बिल है ना फ्रेंड्स, इसने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितना अमाउंट का ये इंश्योरेंस होगा। फॉर एग्जांपल अभी तक 1 लाख का है, तो अभी तक FRDI बिल में ये नहीं बोला कि यार हम इसको बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यार इसको कम नहीं करा जाएगा, इसको बढ़ाना ही चाहिए, 1 लाख से ज्यादा का ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ आया फ्रेंड्स क्या प्रॉब्लम है, कि यार लोगों का पैसा ना डले बैंक को रिवाइव करने में। तो फ्रेंड्स यही था FRDI के साथ का इशू। अभी देखते हैं आगे क्या करना है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी ये बिल लोकसभा से भी पास नहीं हुआ है, अभी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में है, उसके बाद ये राज्यसभा जाएगा, उसके बाद इस पे डिबेट होगी, और अगर वहां से पास होता है तो फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और वहां से अगर इसको अपना एसेंट मिलता है तो तब ये कानून बन जाएगा और फोर्स के अंदर आ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको और कोई डाउट है तो यार आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपको कोई फोन अपने एग्जाम्स को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आगे कोई चीज को लेके कंफ्यूजन हो रही है करियर को लेके, तब भी आप हमें बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन थैंक्स अ लॉट एंड डू वेल इन योर एग्जाम्स एंड स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।